ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में जान डालने और आर्थिक विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से अलग अलग पक्षों के साथ बैठकों का सिलसिला करने जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कारोबारी साल 2020-21 के बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सेक्टोरियल इंटरवेंशन के लिए तैयार हैं, जिसमें बजट के पहले परामर्श लिए जाएंगे। दरअसल अर्थव्यवस्था को दोबारा विकास की तरफ ले जाने के लिए नीति और वित्तीय प्रोत्साहन के बाद वित्त मंत्री अब केंद्रीय बजट पेश करने पर ध्यान दे रही हैं, जो 1 फरवरी को पेश होगा। उनका कहना है, मुझे उम्मीद है कि नीतिगत हस्तक्षेप जल्द ही परिणाम देने शुरू कर देंगे। अलग अलग सेक्टर्स के संबंध में हमने मांगों के अनुसार दखल दिया है। मैं इन कदमों के परिणामों को देखने को उत्सुक हूं। हम बजट पूर्व परामर्श शुरू कर रहे हैं। बजट के पहले इस परामर्श में उद्योग, सेवाएं और व्यापार के तहत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इन सेक्टर्स को बढ़ावा देने की तरकीबें निकालने की कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार सोमवार से शुरू होने वाले इस बजट पूर्व परामर्श में निर्मला सीतारमण स्टार्टअप्स, फिनटेक और डिजिटल सेक्टर से जुड़े लोगों से मिलेंगी। इसके बाद वित्तीय और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगी। जानकारों के मुताबिक इस बार बजट में मुख्य ध्यान आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन पर रहेगा। चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर घटकर 4.5% के 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है, जो चिंता का विषय है। मैं अर्थव्यवस्था कहाँ है वगैरह में एंगेज नहीं कर रही हूँ। मैं सीधा काम कर रही हूँ, जहाँ हमारे आवश्यकता है वहाँ कुछ करने के लिए। सरकार पहले ही कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती कर चुकी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार व्यक्तिगत आयकर में बदलाव के जरिए सैलरीड क्लास को कुछ राहत देगी।